बोल श्री सीताराम भगवान की जय। पहले मैं निवेदन कर दूं, जितने भी मानस की कथा सुनने बैठे हैं, जति के बैठे कोंटा से लेके वो कोंटा तक, अब यति से लेके होती तक, कि डेढ़ घंटा के समय में आपके ध्यान केवल मोर ओर होना चाहिए। अगर बगर देखना नहीं है, दूसरों को चकना नहीं, कहूं कहा था कि देख मोर ढाल, ठीक है। चलो बोल सियावती रामचंद्र की। मानस प्रसंग चर्चा यात्रा अयोध्या कांड, जहां बाबा गोसाई जी महाराज लिख पर इसकी मुखिया मुकसो चाहिए खान पान कहूं एक पाल ही पोसाई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। पर ये भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास में जहां भरत जी महाराज ने भगवान राम समझाती है प्रसंग है, पर एक से पहले मैं वहां लेके जाऊं जहां भगवान राम ने सबसे पहले वनवास की यात्रा तैयारी हो। जनता भगवान राम ने वनवास कौन दी, कौन दी से जोर से कौन है नहीं एक नादी कारण हो जेकर नाम मंथरा, मंथरा पठारी टीम का को नाम मंथरा हावे नहीं है ना बांझ गत है। मंथरा के कारण भगवान राम ने 14 साल के वनवास में एक चीज विचार करके देखन प्यारे काल किस गोसाई जी महाराज मंथरा पर कि नाम मंथरा मंद मति चेरी के कई केरी मंदमती कहा थे नाम ले स्पष्ट करना नाम मंथरा मंदमती मतलब कम बुद्धि वाले की इस मंथरा ला ते कन सोच के देखो अगर मंथरा कम बुद्धि के रतिस ता भगवान राम ला वनवास का डरती सो मतलब एकाध जन कम बुद्धि वाला घर के भीतरी में है वो घर के भीतरी में कम बुद्धि वाला है हमला घर से निकाल सकते ज्यादा बुद्धि वाले मन ला नहीं परेला मंद बुद्धि काबर की सोच के देखा एक अंदर में ज्ञान बहुत ज्यादा है पर भी इला मंद बुद्धि कहे गए विचार करके देखा ये मंद बुद्धि कैसी है बोले ये वो मंद बुद्धि है जो राम को वनवास इसलिए देना चाह रही है क्योंकि मंथरा को मालूम है मैं अपने पूर्व जन्म के उन भावों को भगवान राम को प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वो अपन पूर्व जन्म के बदला भगवान राम से लेते कथा बड़ा करें बाकी मंडली वाले मन बताइए पर एक मंथरा के कारण निवेदन एक चीज मुझे ये बता ये मंथरा परमानेंट अयोध्या में आइस से आइस कैसे नहीं जानो नहीं मैं बताता जैसे पठारी डी में बिहाव होते बेटी बिहाव होते टिकान टिक थो काका टिक थो पैसा सब कुछ में पैसा का पैसा पहली पलंग सोफा एसी फ्रिज कूलर ड्रेसिंग टेबल वॉशिंग मशीन सीलिंग पंखा मिक्सी और वो गोल गोल का करेगा घरा बांगा गुंडी बाल्टी थारी लोटा टिकान पर थे इसने सब टिक थो ना तो राजा दशरथ जी महाराज के जब बिहाव हुई इसका थे ना तो वो कर बिहाव जब रानी के कई के साथ हुई तो वो कर टिकान में ना पलंग ना गोदरेज ना एसी ना फ्रिज ना कूलर ना ड्रेसिंग टेबल ना वॉशिंग मशीन ना सीलिंग पंखा ना थारी ना लोटा ना गिलास कहीं चीज टिके कथे जानता सो कर बिहाव काला टिके 80 साल के डोकरी मंथरा तो डोकरी कोई टिके खरेगा चल ठीक है टिकीज भी हो तो टिकान हरे तो परफेक्ट सबर दिन में टिके है। अगर जैसे एक चीज मैंने ये बता वो दुल्हन सन दो दिनों कर दुख भुलाए पर जाते तेल का हां लोक रही कौन कौन के हो लोक रही हाथ उठाओ अरे ते लोक रहा जाबे जाबे ते लोक रही वाले नो हर ये मन हरे लोक रही वाले हाथ ल झन उठा लोक रही सब जन गए हो एक चीज बता दऊं लोक रही जाबे ना त नवा नवा मान को न पढ़ो थे लोक रहिन जावे ना त नवा नवा मान को न पढ़ो थे नवा नवा दवा में ना आ है लोक रहिन में नवा नवा बहु है दाई करके तंदाई काय बेटा आइसक्रीम लाओ का लान बेटा दूसरा दिन डोकी दाई काय बेटा टका टक खावे का लान बेटा तीसरा दिन डोकी दाई कदे बस में जावे टिकट कटाओ मतलब दो दिन मान को तीसरा दिन पूछ ही जा रहा है अरे ये मंथरा सबर दिन बरा के दूसरा के घर ला बिगाड़ दिस एक घर भगवान राम 14 साल के वनवास भगवान रामचंद्र जी महाराज जब 14 वर्ष के वनवास हुए प्यारे पिता बचन तजिराज उदासी दंडक वन विचरत विनाशी भगवान रामचंद्र जी महाराज के आदर्श देखे जिन बाप के बात का मान के निकली जरूर पर जाए से पहली माता कौशल्या कर जाके भगवान रामचंद्र जी महाराज हाथ जोड़ के कथे मैया तब माँ बोले बेटा राम
मैं सुना था कि तो राजा बनने वाला कहते बड़ खुशी होते रहे ये माँ के छाती फूले बोले बोला कर बेटा कि मोर राम काली राजा बने सिंहासन में बैठी देखता हूँ मन में कल्पना करता हूँ अति सुंदर लागत मैं का बताऊँ मोर बेटा राम राजा बनी मैं महारानी बन के बैठू का जिंदगी रही मोर। पर भगवान राम की बोले मैया ते धोखा में हंस की का धोखा में तो बोले एक बात बता माँ कथे बोले काय हो गए राम अयोध्या बड़े की जंगल बड़े की पहले भगवान राम के प्रश्न देखना अयोध्या बड़े कि जंगल बड़े माँ कौशल्या कथे राम ऐसा काबर पूछा था पहले बता तो सही तो माँ कौशल्या कथे बेटा जंगल बड़े आए तो जंगल बड़े हरे तो अयोध्या के राजल बड़े होना चाहिए कि जंगल के राजल बड़े होना चाहिए बोले जंगल के राजल बड़े होना चाहिए तो अयोध्या के राजा कौन बन थे मैनखे बन थे और जंगल के राजा शेर हा तो माँ मोला बाबूजी एक ठन काम तियारा था जानथस का काम में बोले नहीं जानो बेटा पिता दिन मोहे कानन राजू मोर बाबूजी मोला अयोध्या के राजा नहीं बना थे बोला जंगल के राजा बना के घर से भेजा थे किस्मत वाला आसमां कि तोर बेटा राम शेर बन के जंगल के राजा बन के वहां दहाड़ ही भागमानी असदाई कि तोर बेटा राम जगत में नाम कमाए बरो जंगल में सब जन के कल्याण करे बरो जगह में राजपाट संभाले मां कौशल्या कथे बेटा ननपन में तोला लुल्हार दिस रे ये अयोध्या के राजगादी पता नहीं का सोच के तोला नी दिस पर बड़ा गलत होथे राम भगवान राम कथे हाथ जोड़ के मैया जिया थे ना कभी इतना जरूर जान जो कि जिया थे तब तक तो दर्शन हो गए हो सकते 14 साल के आवत में रहो ना रहो पर सुख शांति से रहे मैया बस जात हो तब माँ को सिल्ला हाथ में जोड़ के कथे बोले बेटा राम 23,000 साल के तपस्या करके तोला मांगे हो बोला तक ना हो अते एक झटके में 14 साल के वनवास जात जात भी ना एक चीज मांगो तो कुछ मिले ना मिले रहो एक चीज दे देना बोले का सुन हनी मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु एक अक्कन कुछ अरबो जमा तो ही कुछ रो मैं पहली क्यों ना टेंशन लेने का ना टेंशन काबर की एक मंच में धोखा हो गया काली कौन गांव मंच में बैठे रहेंगे देवरी भखारा देवरी मंच में से शाम शाम को बढ़िया 7-8 बजे से बैठे रहन आ वहां में धोखा में कई बड़ा दाई कुचरबो का त मोर कुतिल देखना चाहिए ना त मोर डाला नहीं देखत रहा वो लट्टू देखत रहा बुगुर बुगुर वाले एलईडी वाले त लट्टू देखत रहा कौशल पूछत रहा आईटीटी का काय हो ये लट्टू कैसे बरत हो गया त लट्टू पूछे बाप हाओ त ये लट्टू कैसे चलते जानने पहिले एक काम कर कथे का काम है वो लट्टू तार लच्छू देख मर ही पांची वो तो साहब ने मैं खापड़ी कुचरत रहा है तो वो डोकरी आ घूम बैठ रहा है माई लोग इन मन के पीछे पीट ला तो होना था निवेदन ऐसा ना गलती छन हो काकरो सने चलो दोनों हाथ उठा के राधे राधे चलिए जिसके पास दो हाथ है दोनों हाथ उठाएं एक हाथ है ते मने के हाथ ला उठाओ और तोर कमी है ते गोल ला उठा किसी का डर भी राधे राधे चलिए 1 2 3 4 la 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 सुनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु सुनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु सुनहा नहीं मांगा रामा चांदी नहीं मांगा प्रभु चरण कमल ला तोरे मांगो मुरे राम रमैया जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मुरे जगत रचैया जिंदगी भर सेवा तोरे मांगो बोल श्यापति रामचंद्र की जय हो गए ज्यादा मत खुश रहो हैं बहुत की हरे माता कौशल्या की इसके राम जे चरणन ला सेवा मांगे पर दुनिया वाले मन तरसते अगर वो चरण मुल मिल जतिस त काय होतिस भगवान राम का दिखाई तो बेटा बन के आ चरण मांगे के अपेक्षा छोड़ ये हृदय में ते बैठे सबकी काफी
14 साल के वनवास भगवान रामचंद्र जी महाराज की तापस अभेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी और 14 साल के वनवास से निकलत चले केवटा या सल्ला तारे के बाद जहां भगवान राघवेंद्र सरकार जी महाराज बैठे हैं शिला में एक तरफ भरत जी महाराज भगवान राम ला वापसी ले जाए की तैयारी में आए हैं संग में राजा जनक जी महाराज वशिष्ठ जी महाराज तमाम गुरुजन मना है माता वात महातारी उतारी सब वो अधिकतर प्रजा मन सकला है केवल और केवल राम ला वापस लाए के चक्कर में याद रखना प्यारे ये धन रथन कभी कभी आदमी के जिक्र का ज्यादा होते ना तेकरो खलो मरा का बोलो लालच खलो मन में भरो और ज्यादा भी होना बेकार तेकर सती कम कमा खुश रहा हां एकदम हद रही जान करे करे तुमला नहीं कहा था मैं सबो झला कहा था हमन भाई इसे नहीं है पर एक चीज बता दूं प्यारे भरत जी महाराज राम को लाने इसलिए गए क्योंकि उसे अयोध्या के सोने चांदी महल अटारे बोले खेती खर कोई मतलब नहीं वो प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं जब प्रॉपर्टी में राम ना हो भरत जी महाराज तो कहने लगे माता के कई से बोले मैया सुने हो भगवान राम हां नहीं है कथे कहां के है वो माता के कई कथे बेटा खुशी के बात है तोला राजा बने का मौका मिलने वाला है मैं महारानी बनूं और राम ला कथा सुना तो राम घूमे फिरल गए है के साल भर 14 साल वो दिन भरत जी महाराज कसम कैसे बोले ए मैया मैं सुने हो मतलब बड़ा विचित्र लगी इसकी एक माँ जे सौतेलीपन ले निभा के राम ला 14 साल के वनवास भेज दी केवल अपन बेटा राजा बनाए पर अरे धिक्कार है तोरा सन मैया ला जे मैया अपन एक बेटा ला वनवास देते हुए एक बेटा के राजगादी चाहत हो याद रखना कसम खाते ये भरत कि जब तक राम 14 साल के वनवास से वापस ना आए तब तक के भरत अपन मुहले तोला मान ही कहे बोल श्यापति रामचंद्र की जय क्यों धन का लालच नहीं है उसे राम का लालच है भरत था काकर पीछू भागा थे राम के पीछू हमन काकर पाछू भागा था काकर पाछू पैसा काकर पाछू अब पैसा घर नहीं था मैं तुम लोग दिखा था धरे धरे घूमता हूँ देखा हूँ उसके कहाँ रे हाँ पैसा नहीं नोट है काए इंसान पूरी जिंदगी भर इसी नोट के पीछे भाग रहा है प्यारे चाहे रामायण वाले ही क्यों ना हो गलत नहीं बोला था ये रामायण वाले मन भी रामायण करे ना हन्ना फोकट में नहीं आ ए मन देवो की सना तो आबो के हैं नीदेन का की सना तो दूसरा कहां जाते नोट कहां है साउंड वाले भाई चल खाना खा के फ्री में नोट लगी नोट शायद निषाद भैया कत को सगा रहा है लेकिन उद्घोषक नोट मतलब एक चीज क्लियर है प्यारे रामायण करावे तब नोट साउंड लगावे तब नोट उद्घोषक मंगावे तब नोट पंडाल सजावे तब नोट खाना खावे तब नोट यहाँ तक इंसान की उम्र घटा थे स्कूल भेजबे तब नोट लड़का बड़े हो जाए शादी करबे तब नोट लड्डू खवावे तब नोट सगम वाला लुगरा पाटा विदा करबे तब नोट लड़का बड़े हो गए ओकर लोग लेकर खर्चा नोट इंसान की तबियत ठीक नहीं है डॉक्टर के खर्चा नोट अंतिम सांस अगर टूट के जे बांस जे पीतांबरी ओढ़ा के भेजबो वो पीतांबरी भी फोकट में नहीं मिले नोटेज पे मिलते कमी मिलते मतलब एक चीज क्लियर है कि इंसान के जीवन में ये नोट इतना इंपॉर्टेंट है एक चीज क्लियर है प्यारे कि इंसान इस नोट का पीछा पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ता पर जिस दिन इंसान इस दुनिया को छोड़कर जाता है उसके शरीर में नोट नहीं प्यारे उसके शरीर में चिल्लर फेंका जाता है सिक्का ते बड़े आदमी रहता या ते गरीब आदमी रहता तो मरनीच में ना ते कतको नोट ला कमा लेगा मरे एक बार तो शरीर में सिक्का ही फेंकी कुछ नहीं फेंके हाँ राम नाम सत्य है राम सिक्का मैं कभी कभी मर दिमाग को काम नहीं करे कि काकरो पेमेंट 40,000 को 45,000 को 50,000 को 60,000 महीना अगर कमात होई एक महीना के हिसाब से अगर 60,000 कमाईस मिनिमम अगर 60,000 कमाईस 12 महीना मतलब एक साल में कतिक हो गए 7,20,000 रुपया कतिक हो गए 7,20,000 और अगर 62 साल ले कमाईस तक कतिक अगर हो गए करोड़ों संपत्ति पर हाँ अगर वो बड़े आदमी घलो ये दुनिया छोड़ के जही ना तब मैं ये कहूंगा कम से कम वो 62,000 महीना कमा के 65 साल ले कमाए हैं तो 62 साल ले कमाए हैं तो ओकर मरनी में एक महीना पेमेंट ला 100-100 के निश्चित थी राम नाम सत्य निश्चित ओ दिन जाने
इंसान की इज्जत कब तक, पैसा है तब तक, ये है ततोर पूछनता है, ये नहीं है ततोर कोई पूछैया नहीं है। एक गलत बात नहीं करूंगा प्यारे, एक सही बात बोल रहा हूं आपको, अगर अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो अन्यथा ना लेना। दुनिया के कोई भी कार्यक्रम लॉन्च करा ले, कार्यक्रम के आयोजन करा ले, रामायण प्रतियोगिता जज झांकी, राम धुनी फाग प्रतियोगिता महोत्सव करा ले, लोक कला मंच करा ले, नाचा करा ले, ऑर्केस्ट्रा करा ले, जगराता करा ले, दुनिया के कोई भी मंच ला सजा ले, जो मंच में 5,000 एक रुपए का दान करेगा वो मंच का मुख्य अतिथि होगा। जेन 5,000 एक रुपए के चंदा दही वो मंच के मुख्य अतिथि हो ही, और जे इनकम रुपए दही वो चटाई बैठ के थापड़ी बजे। गलती बोल रहा हूं, 5,000 एक रुपया दोगे, अतिथि बनोगे, इन कावन दोगे, चटाई में बैठोगे, और अतिथि बनने वाला मिक्सचर खा रहा है मंच में, मिठाई खा रहा है, काजू कतली करबो मुंह देखत रहते हैं, बने लगा छो कौन जा कती मिठाई। हां पर एक चीज मैंने जाना प्यारे, जब तक इन कावन वाले उस चटाई पर ना बैठे, इस 5,000 एक रुपए का कोई महत्व नहीं है। सोचना मत कि गुड़िया लगकर मैं 10-12,000 रुपए देकर छिटिया लाके मंच में बैठा दी, मैं भजन गा तो गोपाती राघव राजा राम, ये सुनिए जी कोई मतलब पड़ी नहीं। याद रखना प्यारे, ये पैसा अच्छे अच्छों को हिला देती है। भरत जी महाराज को ये धन नहीं चाहिए, क्या चाहिए, राम का चरण चाहिए। पहुंचे हैं राम का हाथ में जोड़ के कहते भैया, अगर राज्य चाहिए रतिसना, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म मुनि राम पद, केवल मुला एक चरण चाहिए। अब ये चरण में पता नहीं इसे का जादू है, पर ये चरण ना जब ले देखे हो तब ले मोर आंखी ये केवल चरण में टिक गए हैं। काश होती ये गोल्ड मुला दे देते इसका। एक बात में ईमानदारी से सब जन पूछो, ये चरण के महत्व अपन अपन गोल्ड देखो, तो अपन अपन गोल्ड देखो पौरीला देखे हो, देखा जाओ, दिखा थे का, दिखा थे हमें सुंदर, दिखा थे हैं सेम सुंदर है, कौन जन बहरी पाले काला कुने ढूंढ खा। हां ये पांव शायद शायद पूरा शरीर में ये पांव ही एक ऐसे अंग है कि अच्छा जगह भी जाते तो यही इच्छा जाते, और गलत जगह जाते तब बोले फिर पांव पर था तो काकर पर था देखे हो। जैसे पहले सियान मन अब नहीं पड़े, पहले सियान मन जब पांव पड़े ना तो बढ़िया मस्त मुड़ी ढाके, और ढाके के बाद जिसने अगर कहीं होती तो बिल्कुल पांव पड़ती ना, जैसे मुड़ी ढाके पांव पड़त हो इसे के पांव पड़े। आपके मतलब देखे पर छठी में रहा एक झंडाई आ तो इसे पर्स धर रहा है छठी रामायण चलो नाश्ता करते नहीं जाना, और घर के महाटी में कोई दाई है नहीं जानो, लगभग 50-55 साल के दाई है, दुरिया देख के कहा थे आई मोसी तो हूं वहां हंसो के दिखत नहीं है वो आए थे, तब पांव पर था तो बने पर ना, तो ये पौरी छोड़ के मारी पांव पर रहा है मैं क्यों, ये वो समस्या है। पहले मन पांव पर पौरी पर, आपके मन पर थे माड़ी पर थे, हो सकते आने वाला समय इसने झन हो कका कि मनसे मन ला पांव पर एक जगह नहीं दिखी मुड़ी मुड़ी टका चालू कर दी, कोई भरोसा है नहीं नहीं। अच्छा ईमानदारी से मुझे ये बताना, जतिक भी हमर दाई मन बैठे जेकर जेकर शादी हो गई, रोज रोज माता जानकी ना भगवान राम के लगभग लगभग सुबह का नगर कहां से जाती है ना, कहां जा आवाज तो पहले पांव पर आ जाती है आ गए हां आ गए, तब फिर पांव पर फिर अगर 10 मिनट बाद फिर कहां जाता नाथ ना, तो फिर पांव पर वापस आ गए फिर आ गए, मतलब दिन भर में कम से कम 4-5 बार पांव पर करेगा। तुमन के गांव पांव पर थे बोलू पापा के दिन भर में कछुगा अच्छी मत की खलो नी पर नी परे साहेब नी परे ना हौ नी परे जान धस कब पर थे वो गांव के हितियल वापस लौट थे ताता वो पांव पर बड़ा खतरनाक याद है आगे सो इसे कहा था हो आगे तो ये पांव पर वो पांव पर ही संस्कार डिपेंड करता है प्यारे। एक भाई की कथा जहाँ एक नहीं एक राम के पीछे भरत जी महाराज आए हैं, मानस में तीन तीन भाइयों की चर्चा कर चलो, एक भरत एक राम दूसरा बाली और सुग्रीव तीसरा विभीषण और रावण, दोनों में एक भाव बताऊं कि इनमें प्रेम था भरत राम में, सुग्रीव बाली में भी प्रेम था, पर हाँ इस प्रेम ने अपने भाई को मार दिया, सुग्रीव पन बाली मरवा दे
काकर माध्यम से, भगवान राम के माध्यम से, और तीसरा विभीषण रावण, रावण लभी मारी विभीषण के माध्यम से, कौन है राम। मतलब दोनों भाई मन अपन भाई मन मारे के प्लानिंग बना रही से, पर एक भाई है जो राज्य के कारण केवल एक ही चीज चाहते, बोले का कि राज्य मिले ना मिले राम चरणों की सेवा मिलनी चाहिए, हाथ जोड़ के माथा ला भगवान राम के चरण में गिरा के कथे बोले भैया भैया कुछ नहीं चाहिए, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, बोला कहीं नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ राम के चरण कमल में स्थान चाहिए, जगह चाहिए, पता नहीं का जादू हो ही ये चरण में, मैं सुने हो ये जादू भरे पांव, ये तोर जादू भरे पांव, जब पथरा के शिला में मार थे केवल चरण के धुर्रा से जब पथरा नारी बन सकते, ये भरत के जीवन में ही पता नहीं है, भरत के उद्धार में हुई तक का हो, सोच के देख देख, हमें तो कथा आप तमोजन मन निषाद परिवार है ना, कौन कौन हमारे निषाद सब जन हाथ उठाओ, विशेष बात बता दूं, जहां के निषाद परिवारों के माध्यम से भगवान राघवेंद्र सरकार का मानस का कार्यक्रम हो रहा हो, इस निषाद परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए तमाम निषाद परिवार। अच्छा एक बात बताता हूं, भगवान रामला तारने वाला, भगवान रामला गंगा पार करने वाला केवटराज निषाद जी महाराज जी से, और श्री राम कृपा मानस परिवार तारने वाला, ये दो जन निषाद, ये पार के तबला निषाद, ये पार के हारमोनियम वाले मानस, दोनों तुम्हारे सगा है, आओ ताली का बजा जा निषाद, अरे के हमें तेली हरो था, अरे बड़ी है बोल मां की बिहारी लाल की जय, आइए एक जोरदार भजन की यात्रा करें, बोल श्यापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया राम चंद्र शंकर हरि ओ, सुखर मेला मजम सगा बनन के स्वागत है, आज के सुखर मेला मजम सगा बनन के स्वागत है, झुमर झुमर के झुमर झुमर के नाचुर संगी भाग हमर अब जागत है, आज के सुखर मेला मजम सगा बनन के स्वागत है, आज के सुखर मेला मजम सगा बनन के स्वागत है, झुमर झुमर के
अपन छत्तीसगढ़ी हावन की अन्न हमें सिर जाएगा बबई में रह के सुख दुख सह के जिंदगी है महाएगा ला 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 हो 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 हमन छत्तीसगढ़ी हावन की अन्न हमें सिर जाएगा कमई में रह के सुख दुख सह के जिंदगी है महाएगा आज तो हम हो करम हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे आज तो हम हो करम हवे छत्तीसगढ़ मा धर्म हवे ये दुनिया के बोली भाग हमला सुखर लागत है आज के सुखर मेला मजम सगा मनन के स्वागत है आज के सुखर मेला मजम सगा मनन के स्वागत है झुमर झुमर के चोरिले हो पाया चोरिले हो पहुना वाह पहुना दया पाया चोरिले हो चोरिले हो पाया चोरिले हो पहुना वाह पहुना दया पाया चोरिले हो मंच सजाए सतसंग के ये देखकर पावन सतसंग भजन करके माया जोड़े हो ये देखकर पावन सतसंग भजन करके गमया जोड़े हो माया जोड़े हो माया जोड़े हो बहुना भाई बहुना दया माया जोड़े हो ये देख जोड़े हो माया जोड़े हो बहुना भाई बहुना दया माया जोड़े हो ये देख भाई बहुना दया माया जोड़े हो भाई बहुना दया माया जोड़े हो ये भाई बहुना दया माया जोड़े हो भाई बहुना दया माया जोड़े हो सियावर रामचंद्र के जय भोले श्री सीताराम भगवान के जय भरत सिंह महाराज भगवान राम के चरण में गिर के किस बोले प्रिया ते अगर अयोध्या ला छोड़ के आस पता नहीं ते काबर छोड़ के आस पर एक चीज जानता हूं कि अयोध्या ला ना तोर जरूरत है मैं का कटर होले बता मोर से हर चीज में बड़े ते हस उम्र में बड़े हस ज्ञान में बड़े हस बैराग में बड़े हस हर तमाम गुण में ते मोर से बड़े हस और ते अयोध्या ला छोड़ के आहस ना तो अपने प्रजा मन के मुंह देखते हूं उतरे उतरे मुला देखते ना तो हीन भावना से देखते मुला बड़ा अजीब लागत चल ना राम अगर तो उससे बना था ही तो चल वापस चल भगवान राम की बोले देश को परिजन परिवार गुरु पद रजहि लाग छरु भार तुम मुनि मातु सचिव सिखमाने पाले हो बहुम प्रजा रज धान बोल बांके बिहारी लाल की जय बोले भरत तेनी जानस मोर बाबूजी मोला का कहे बोले जान था भैया पर भी मैं तोला वापस ले जाना चाहता बोले इसे का कारण है कि ते वापस ले जाना चाहता भगवान राम की कि तोला सब चीज तो तुम मिल गए हां राज मिल गए महतारी है गुरु है सब चीज तो तोर पास है संपत्ति है राजकोष है राजधानी है जैसन करना है कर सकता भरत पर हां इतना जानता हूं कि तो राम सदैव तोर साथ हमेशा तोर साथ है भरत जी महाराज के आंसू की धारा निकल के भगवान राम के आंखों में आंसू निकाल के कहे भरत जी महाराज हे राम तोला पाए पर दुनिया वाले मन तरस तोर नाम ले पर दुनिया वाले मन तरस थे और किस्मत से मैं बड़े भाई के रूप में तोर पाओ त ते कथस वापस चले जा अरे राज नहीं चाहिए भैया बोल राज्य मोर संपत्ति नहीं चाहिए मोला केवल राम चरणन में सेवा चाहिए जगा चाहिए मोला लेके 14 साल भगवान राम को बोले नहीं रघुकुल रीत सदा चले आए प्राण जाए पर वचन न जाए मैंने कसम खाई है और मेरे पिता ने मुझे कहा है 14 साल का वनवास बाप के वचन गलत नहीं होना चाहिए
बाप के वचन हां गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गए ना भरत तब मैं बदनाम हो होते हो पूरा हमार कुल में दाग लग जही कि देख अतीक पर राजा होके बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। तजात अते हैं बढ़िया राज मेरा मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो ए पाले ही पोसे ही सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया ला सियान ला किसने होना चाहिए एक चीज मुझे ये बताओ काकरो भी तबीयत खराब होत रही थी मन है एक ध्यान से सुनना कैसे हो के टोके दे काबर चन का थसोला जनाब उठ खा चुपचाप बैठे रहा हुआ मोड़ा ना देखा मुखिया मुख सोचाए मुखिया किसने जैसे बस ड्राइवर देखे हो बस में बैठे हो ड्राइवर हा एक झन रथे के झन रथे और जाते के झन पाछू में बैठ के ताबोल अपर झन में 40 झन 50 झन 60 झन एक झन ड्राइवर जाते की झन पीछू में बैठ के 60 झन 70 झन सोच के देखन ये 70 झन के प्राण काकर हाथ में जान को एक झन के हाथ में कौन ड्राइवर अगर गाड़ी अच्छा चलात है तो ये मान के चल कि तोर 70 जन के जान हाँ बचा थे और अगर ड्राइवर के एक कण भी गलती अगर स्टीयरिंग उल्टा मोड़ी सब नदियां में गिरे हो तो 70 में से 35 जन गया। गलत बोला था मुखियल कैसे होना चाहिए समझदार होना चाहिए मुखियल कैसे होना चाहिए समझदार मुख के बराबर माने मुखियल आप कैसे बताता हूं जैसे काकरो हाथ पांव काकर काकरो को हाथ में कहूं कर दर्द पीरा होत है का ओकर घाव आवे का काकरो एक चीज देखना अगर उंगली की ये कोंटम अगर घाव हो जाए अगर एकर नाखून निकल जाए दर्द होते पर अगर गोली खाथन तो गोली ला हाथ में ही जक खाथन का ले लील नहीं सकी कहां मुंह में। अच्छा ये गोली मालूम है कि ये हाथ दर्द देवा थे कि ते कैसे और मत गोली खास नहीं को एक आध घाव गोर हाथ में घाव होई सोई त वो गोर हाथ में जिसने भी घाव होई से कोनो भी पीड़ा होई सोई त गोली मुंह खास नहीं त ये गोली मालूम है कि एल घाव हो गए त एक खहुतान हो जी की गोली पता है नहीं पर हां गोली हा मुंह खावे ना तो दर्द यही कर होत ना तो वो काम यही जगह करते दूसरा जगह नहीं करते दर्द अगर माड़ी में ना तब माड़ी के दर्द ला खत्म कर ही वो हां या ना गोली मालूम है कि मुल कहां तक जाना है और कहां तक काकर तबीयत ला कदिया तक के ठीक करने का कर दर्द ला कदे कल खींचना है खाथन मुंह में खाना सब जन खाथो भात खाथो ना कामे खाथो अरे हाथ में खाथा तब खाते में खुशार जी उसने मुंह में खाथा खाथन मुंह में पर ये मुंह अपन जगह में पूरा भात ला पैसे से पैसे रखते का फूलों के कहां ले थे पेट में सोच के देखन खाना मुंह खाथे लेकिन पूरा शरीर के संचालन का के होका से होते भोजन से मतलब ये खाना ये भोजन मुंह खाथे लेकिन अपन पर नहीं रखे हो पेट में जाते ना तो पूरा शरीर के हाथ और मन काम करना चालू कर देते हैं 9 दिन के उपवास रहिक देखना एक आध एक दिन दो दिन तो उपवास रही जब तीसरा दिन मम्मी देखना मोर हाथ गोड़ कैसे और माथे हो हां मैं देखे हूं मैं कभी उपवास नहीं रहा और धोखा को एक आध उपवास रही क्यों ना तो सुबह के 12 बजे ले 1 बजे ले 3 बजे ले 4 बजे ले तो बने बने रह जाता हूं 5 बजे ले ना मां कहीं साबूदाना उम्मीद बनवान हो वो थे मतलब काम ये मुंह करता है और एक मुंह के खाना खाए ले पूरा शरीर के इंद्रिय काम करना चालू कर देते ऊर्जा मिलती है एक मुंह के खाए ले मुखिया किसना होना चाहिए बोले मुंह के बराबर होना चाहिए कि खाए जरूर पर अपन बर ना रखे अपन प्रजा बर देखे अपन परिवार बर देखे ओला कहते फैमिली मेंबर के हेड एक गृह मंत्री होते शायद अभी गृह मंत्री छोड़ो आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है कौन है कथाओं ये लाख लाख कथे मार दो प्रधानमंत्री हकन के कहो ना भारत के प्रधानमंत्री कौन माननीय श्री नरेंद्र मोदी
ओकर कर पैसा कमी है का सबो डहान ले पैसा आ थे पर अपन हम कुछ हिस्सा रखी तन पूरा काकर मनमर लगा थे हमार मनमर काकर मनमर सियान ला कैसना होना चाहिए बोले सियान ला ऐसना हो कि रहे सब चीज ओकर करा पर उपयोग खुद ना करे उपयोग अपन परिवार वाले मन पर होना चाहिए। भरत जी महाराज ला समझात में सरल करके समझात हो कथा ला कठिनतम को तो समझ नहीं सको मुखिया मुख तो चाहिए खान पान हुए ये मुंह खाते जरूर पर पूरा शरीर के इंद्रिय ला काम करम चालू कर देते वैसे सियान ला होना चाहिए भरत कि ते रख सब कुछ पर हाँ तोर कारण तोर अच्छा राजपाट के कारण तोर पूरा प्रजमन खुश होना चाहिए पाल ही पोस ही सकल अंग तुलसी सहित पिवे। भोजन करने के बाद मुख अपने लिए कुछ नहीं रखता पर हाँ उस पेट में जाने के बाद वो शरीर के हर कोने में वो ऊर्जा छोड़ने की क्षमता वो भोजन रखती है। और यहाँ तो भरत जी महाराज के बात की बोले राम एक चीज कहो का कथ बोले का भक्ति जान ले बोल रहे से कहो बोल तो भरत जी महाराज का थे प्रभु चरण ना मांगो या ना मांगो पर एक चीज और मिल जाती इसका बोले का जे राम नाम ला रटे पर दुनिया वाले मन तरस थे का वो राम मिल जाती बोले कृष्णा चाहतस्ते हैं। तो एक प्रश्न आप सुने हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराहे अंत राम मुख आवत नहीं मतलब जन्म जन्मांतर तक जे मनखे रामायण सुनते भागवत सुनते सरी करम दुनिया के तमाम सत्संग व्यास यज्ञ हवन सब में बैठते पर मरती पहाड़ों में कर मूल राम नहीं निकले कहते हाँ या ना हाँ या ना पक्का मरती पहाड़ों में मनखे मूल राम निकलते नहीं कौन कौन नहीं वाले हाथ उठा चलो नहीं वाले मन हाथ उठा चलो नहीं वाले तो सब जन हाँ वाला हाँ वाला तो नहीं वाला कहीं तो होता ना हाँ नहीं नहीं एक चल में बात बता जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुखावत में मरती पहाड़ों में मनखे के मुहुल राम नहीं निकले कथे काकथे नहीं निकले वे में जेबन भी नहीं निकले कहा थो जेमन निकले थे कहा थो जेकर भी मन में सवाल हुई बोला एक बात बताना मालूम कैसे चली तुमन लग की निकलते धुनी निकले कैसे पता चली हैं देखे हैं नहीं मरती पहाड़ों में राम निकलते कि नहीं एला जानना है ता जाने पर पहली तोला मरे लग अमरबे तते बता नहीं सका बता सकता का नहीं हमारे गांव में इसने घटना घटी से झंडोकरी से के सालों में डोकरी जाएगा 85 साल के डोकरी वो डोकरी बड़ा खतरनाक सीन ही रहा है जानता सो का करे वो ना बचपन से जब से जन्म ले रहा है ना तब से लेके मरण तक कभी राम नहीं जपिस करते तब से राम नहीं जपे करते जन्म से लेके मरण तक आओ जैसे गांव रामायण होती है ना तो गांव भर के मन पंडाल में बैठ के रामायण सुने बराती सो अकेला डोकरी भर नहीं है गांव अगर भागवत होती अगर पोंगा धोखा से होकर घर के महाटी में लग जाती है ना वो डोकरी है 9 दिन ले अपन दरवाजा ला सकरी लगा के घर में अटियां अटियां खुसर के रह जा लेकिन घले नहीं निकले वो पर हाँ अगर गांव नाचा होती है ना तो कोई आए मत आए वो डोकरी आगू बैठ के नाचा देखेला अति खतरनाक तो हो इसका है घर वाले मन सन सो फिकर में ये सीन नहीं ना अब तबीयत का ठीक नहीं है इसने बिगड़ा जाते तो कम से कम मरती पहाड़ में तो राम नहीं देती गए इसे के सब जन मन हम मरती पहाड़े डोकरे नहीं बाचे के सब जन मन पान प्रसाद खवाते घर वाले मन खवाते सगा सोदर मनाते मन खवाते अड़ोसी पड़ोसी मालूम चले तू मन खवाए बड़े तो एक जन सियान आके कथे सुने हैं तुहर घर डोकरी है कबू राम नहीं जपे कथे बोले हम नहीं जपे है तो ओकर मुंह राम निकाल दो कथे बोले हम निकालते हैं उनका तो एक काम करो गांव में बढ़िया संत टीकाकार है वो टीकाकार धर के लाओ लाओ और वो डोकरी का घूम रामायण पढ़ाओ और ओकर मूल राम बोलवाओ तो टीकाकार आइस आइस और डोकरी दाई कर बैठ के कथे दाई का हो बोलन सखस नीवा कथे एक व्याख्याकार की जम नहीं अब रामायण ला खोल के दशरथ मरण के कथा चालू करी राम राम कही राम कहे और राम राम कही राम तो डोकरी किस ले दाए तो कोलन लग के तो डोकरी का जानथस काम काम करही का काम करही काम काम करही का काम तो ये राम राम कही का तो काम काम करही का व्याख्या कर रामायण ला मुन के कथे मो चढ़ौत के ते मैं नहीं पढ़ा सकूं मेरे गा तू कथी नहीं बन सके अब कैसे करे जाए तो गांव वाले मन पर चुनौती हो गई डोकरी एक तरफ सियान मन एक तरफ आप कैसे करे जाए तो सियान मन कथे एक काम करो कैसनो भी हो गांव का बदनामी नहीं होना चाहिए डोकरी को राम निकालना चाहिए
कैसे करे जाए, करना कुछ नहीं है, गांव बैठ कर सकेलो, कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो दिमाग निकल ही चाहिए। गांव बैठ कर सकला के बैठका में बड़े बड़े सियान मन बैठे, एक सियान खड़े होकर थे काबर सकेलो बैठका का, बोले एक सती की टोकरी मुड़ राम निकल, बस ओकरे पर, हां ओकरे पर, ता अब मैं निकाल दूं टोकरी की मुड़ राम, ता तते राम के अगर कर मुहुल निकाल देबे तो सम्मान करबो गांव भर में कथे। बोले ठीक है, एक एक बात मान ले बताओ, ये जो डोकरी मरने वाले हैं तो डोकरी दमान के जन है कि है? तो तीन जन, कौन कौन? तो बड़े का नाम समारू, मंझना का नाम दीन दयाल और छोटे का नाम राम साय। छोटे का नाम है, का नाम है, यही जिला धार बांध के रखे रहा बस, वो सियान कथे है छोटे का नाम राम साय। हाँ तो ठौका बेराम कैसे, बाकी काम मोर पर छोड़ बन जाए किसो, तुम सम्मान की तैयारी करो करो। आप सियान मन बैठे बैठे बैठक ले फोन लगी, सोकर दमान मन करा, कहा हो दमान, काम बुतम हवन, अरे लगिया ताओ कथे कहाँ आना है, अरे तुम्हार ससरारा काबर हो, तुम्हार सास के सांस खत्म हुआ थे, हाँ तो सास के सांस खत्म हो, घट ले आधा घंटा में पहुंच गए, पहुंची तन सियान मन कथे तुम एक ठन काम पिया रथन, जैसने हमन दाई के खटिया के साइड में तीन जन सियान मन बैठे रहो, अब बैठे रहो जैसने बैठे रहो, तुम लोग बुलावत जबो, तुम आवाज जाओ जावत जाओ। बोले ठीक है हो जाए। आप मजेदार बात है कि सियान मन बैठे हैं, ताई खटिया आ गई है, डोकरी दल सियान मन कथे बोलन सखस निहवा, बोलन तो सखो कथे, सियान मन कथे बन जहिया चलगा पहली दमान आ गा, ऐसे कथे आइस डोकरी का घूम खड़े करे छे सियान, इन ला पूछते चिन्हा था स्वा चिन्हा तो हो कौन हरे समारू ताए, सियान मन कथे जमा थे भेजो दूसरा गुला बलई खड़े करे डोकरील कथे चिन्हा थसवो चिन्हा तो हो कौन हरे दीन दयाल ताए, कथे पूरा जमा थे भेजो तीसरा गुला बलई खड़े करे छोटे दमान हरे अब का के डोकरी लकथे दाई कहा है चिन्हा थसवो चिन्हा तो हो कौन हरे छोटे बेटी घर के तमानता, राम साय कहते थी तक का बिगड़ जाती टोकरी, समारू कह डरी तीन दयाल कह डरी राम साय नहीं कही सकी, जानतस काबर काबर का नाम क्या घूम राम लगे ते कर सती, सियान मन बहरी पार निकल के कथे एक काम करो गांव लकड़ी छेना खाका परवा ये नहीं बांच पाए, अतिकन गांव भर के मन कोशिश कर डरिस, अब ये सीन ही ना कभी जीवन में राम नहीं जप सकी, कम से कम मरती बाहर मत निकल जतीस। बोले भरत जी महाराज कहने लगे मुझे यही राम की जरूरत है जिससे राम को पाने के लिए दुनिया तरसती है, बोले कहत कठिन समझत कठिन साथ कठिन विवेक यही राम चाहिए, इसलिए कह दो इसी राम को जपन करते हुए रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ताली के साथ ऐसे से नहीं, अब गांव वाला हुआ है चलो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर इमन पंच में आया पूरा है, इमन सुर में गा तो मिला गावना ईश्वर सबको जमा थे ना, चलो सब झन मिलके गावन। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो सबको सम्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो राम भज मन प्यारे
सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम राजा राम पतित पावन सीताराम बोल श्यापति रामचंद्र की जय राज धर्म सर्वस एतनोय जिमि मन माह मनोरथ गोय बंधु प्रबोध किन्न बहु भांति बिनु आधार मन तो सुना सान बोल बांके बिहारी लाल की जय बोले भरत ते राम के पाछो भागत थस राम के पाछो भागे से काम ही जाना थस बोले हो जाना था काम मिल ही बोले सबके पति जिन हरे वो रघुपति मोला मिल ही त रघुपति तोला नहीं मिल सके भरत काबर काबर के मोर पिता के जे वचन है वचन के कर्मला में वचन के तमाम कामला में करना चाहता हूं मैं करत हूं हमें अपन कर्म में रहेगा तो तहु अपन धर्म ला निभा जिसने ये मुखा पूरा शरीर के संचालन करते खाते अपन अपन अकेला जरूर पर हां पूरा शरीर काम करना चालू कर देते पूरा शरीर के पालन पोषण होते वैसने तहु वैसने कर जा राजपाट में बैठ राज धर्म सर्वस इतनोई राज्य खला वैसना मुख के बरोबर है जहां राजा हा मुखिया के मुख बरोबर होते और प्रजा मन हा शरीर के अंग बरोबर होते एक एक अंग के पालन पोषण एक मुख के माध्यम से होते भरत प्रिय राम चंद्र की जय राम के नाम लगा ले संगीत तर जहे तर चोला चार दिन के जिंदगी संगीत चार दिन के बिना रे हरि के भजन कर ले ओ संगी मो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगी मो प्रभु के भजन कर ले राम के नाम लगा ले संगीत तर जहे तर चोला चार दिन की जिंदगी संगीत चार दिन के बेला राम के नाम लगा ले संगीत तर जहे तर चोला चार दिन के जिंदगी संगीत चार दिन के राम के नाम लगा ली संगीत कर जहे कर चोला चार दिन की जिंदगी संगीत चार दिन के मिला रे हरि के भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन बिन नहीं होवे बेड़ा पार हो हरि के भजन बिन नहीं होवे बेड़ा पार हरिक भजन बिन नहीं होवे बेड़ा पार हो हरिक भजन बिन नहीं होवे बेड़ा पार मन की मंदिर में संगी एला नहीं बता चार दिन के जिंदगी संगी चार दिन के बेला मन के मंदिर में संगी एला नहीं बता चार दिन के जिंदगी संगी चार दिन के बेला रे हरिक भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले
कहानी हो तार सुन ले अमर कहानी लिखे हवे तुलसीदास ज्ञानी हो लिखे हवे तुलसीदास ज्ञानी तार सुन ले अमर कहानी हो तार सुन ले अमर कहानी लिखे हवे तुलसीदास ज्ञानी हो लिखे हवे तुलसीदास ज्ञानी अपन मन मा संगी एला तै बताना विध के विधान संगी लिखे तुलसीदास अपन मन मा संगी एला तै बताना विधि के विधान संगी लिखे तुलसीदास हो हरि के भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे मो प्रभु के भजन कर ले राम के नाम लगाली संगी कर जाहि कर तोला चार दिन की जिंदगी संगी चार दिन के मेला राम के नाम लगाली संगी कर जाहि कर तोला चार दिन के जिंदगी संगी चार दिन ये राम के नाम लगाली संगी कर जाहि कर तोला चार दिन की जिंदगी संगी चार दिन के मेला रे हरि के भजन कर ले ओ संगे बो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे बो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे बो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ले ओ संगे बो प्रभु के भजन कर ले हरि के भजन कर ओ संगी मो प्रभु के भजन कर भरत प्रिय रव चंद्र के जय बोल श्री सीताराम भगवान की जय भरत जी महाराज तक कतको समझे भगवान रामचंद्र जी महाराज बोले भरत अब तो समझ जा अब तो ते संज्ञान हो गए हस छोटे रे तब तक तो हट समझ आते सब तो बड़े हो गए हस तो भरत जी महाराज ने कहा बोले ठीक है समझा था ठीक है मैं जा था पर एक चीज है बोले क्या चीज मतलब कुछ मिले ना मिले एक चीज देना बोले क्या चीज भरत सील गुरु सचिव समाजो सकुच स्नेह विवश रघुराजो प्रभु करी कृपा पावरिधि दिन ही सादर भरत शीश धरि लीनि भरत जी महाराज राम के चरण खड़ौल मांगे राम के चरण खड़ौवा देखे हो काला कथे काला कथे हैं खड़ौवा लकड़ी के नहीं रथे का पादुका कथन पादुका हाँ हमन चप्पल पहनते हैं पर भगवान मन हाँ चप्पल नहीं पहने भगवान मन का पहने चरण खड़ौवा में लकड़ी के वो रहे बीच में खूंटी रहे वो खूंटी भगवान रामचंद्र जी महाराज के चरण कमल के वो पादुकल मांगा थे पादुका का बर ध्यान से देखना मोटा मोटा जैसे ये चरण पादुका है और बीच में इसे खूटी रहती देखे काबर मांगी से चरण पादुकल बोले कर सती कि भरत जी महाराज कौन है संत हरे ये जो खूटी हरे ना ये खूटी कौन है ये राम हरे अब ये जो पौड़ी दिखा थे पौड़ी के जो हिस्सा है ये तलवा कौन है बोले ये तलवा अयोध्या है अयोध्या के राजा जहाँ राम होना चाहिए वहाँ भरत है तब भरत का मांगिस बोले ये चरण पादुका ला मोला दे एकर सती कि ये खूंटी जे निकले है ना ये खूंटी रूपी राम ला मैं पकड़ के रखे रहा और पकड़ के रखे रहा तो कोई भी विकार अगर आए तो मोला अयोध्या से दूर ना कर सके मोला मोर राम से दूर ना कर सके तो ये पादुका की खूंटी अब ये पादुका ये अयोध्या है ये खूंटी राम है मांगने वाला कौन संत आए तो संत का मांगिस बोले भगवान रामचंद्र जी महाराज के पादुका और निवेदन मांगे के बाद दोनों पादुका ला भरत जी महाराज अपन सर में रख दी काबर सर में एकर सती सर काए बोले संत के जीवन में सर में सबसे ज्यादा मान्यता ये सर कौन लदे जाते ब्राह्मण के कुल अगर शरीर के पूरा हिस्सा ला देखें वर्णाश्रम निज निज धर्म वर्ण चार वर्ण में बांटे गए ये इंसान ला पहला ब्राह्मण सरला ब्राह्मण कहे गए दूसरा क्षत्रिय छाती ला क्षत्रिय कहे गए वैश्य कमरला वैश्य कहे गए शूद्र मतलब पांव भगवान राम के चरण ला मांग के सीधा सर में रखी बोले का ये चारों कुल से हाँ ये चारों से ऊपर होना चाहिए मोर राम के चरण है सर में रखे भरत जी महाराज
राम भक्त ले चला रे राम की निशान राम भक्त ले चला रे राम की निशान शीश पर खड़ा हो और अखियों में पानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी निशानी राम भक्त ले चल रे राम की निशानी राम के पद चिन्ह शर्म मराए भाई के प्रेम निकल गए तो सोच के देख सबके जीवन में भाई हो पर काकरो भाई भरत जैसे नहीं हो सके सबके जीवन में भाई हुई पर कोई भाई भरत जैसे नहीं हो सके काबर अरे एक एंटी जमीन में आज भाई भाई में मारो काट चालू हो गए सोचे कब एक एंटी जमीन में अब मैं देखा था ये एक एंटी जमीन में नाम जो सेफ्टी के गड्ढा नहीं खना है तेकर बार हमन काटा था गलत नहीं बोला तो ये एक एंटी जमीन में कुछ नहीं हो सके तेकर बार भाई भाई कट गए सोच के देखन प्यारे का वो जमीन के टुकड़ा हमर मरे के बाद जही जाएगा नहीं अरे कम से कम भाई होगा तो भाई अर्थी में हमें कंधा देकर कम से कम शमशान तो ले जाएगा और जिसके पास अपने हैं वो काम के हैं और जिसके पास अपने नहीं हैं कोई काम का नहीं अकेला कति की दिल जी बेले बता कई जन मना हल्का फुल्का का चढ़ा कर मैं अकेला रह जाऊंगा अरे रही के बता के दिन बेले बता एक दिन रहे दो दिन बाद में तो परिवार की जरूरत नहीं पड़े पड़ती है प्यार और भाई के कारण एक भाई, भाई बन सकता है और भाई के कारण एक भाई मर सकता है बनने वाले कौन राम और मरने वाले कौन रावण विभीषण के कारण रावण मर गए रावण जब मरत विभीषण तो रावण मरती पर भगवान राम ला कहा है राम ये सोचा था कितने मोला मार डरे अरे गलत बात तुमने मुझे नहीं बताया तुम किसने मुझे मारा बोले किसने तो रावण कहता था कि नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में कौन किसका होता है और धोखा वही देता है राम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा मुझे मेरे अपनों ने मारा विभीषण बहुत ज्यादा विश्वास करो और भाई यही तो ना बता कि रावण के पेट में अमृत के कुंड है तो सोच के देख राम मोला मारने वाला ते कैसे हो सकता है तेकर सती रावण का है दुनिया से बचने की जरूरत नहीं राम क्योंकि दुनिया वाले अगर तुमको एक तमाचा लगाएंगे तुम एक घंटे में दर्द पीड़ा सह लोगे पर हाँ घर का कोई अपना ना डंक मारना चालू कर दे तो पूरा दुनिया में ढूंढने में दवाई मिलने वाली इतना घातक होते जब विश्वास पात्र आदमी डंक मार यहाँ एक भरत जो राम को राज्य देने के लिए राम को अयोध्या ले जाने आ रहे हैं और एक रावण था जो रावण के पास सोने की लंका थी सब कुछ था रावण के पास सब कुछ था अयोध्या और लंका में अंतर बता दूं प्यारे अयोध्या में सब कुछ रहा ना रहा पर अयोध्या में चरित्र था जिसे भरत और राम का चरित्र कहते हैं रावण के पास सब कुछ था हर चीज में रावण आगे रही से हर चीज में धन में सबसे ज्यादा कौन बड़े रावण जोर से रावण बुद्धि में उम्र में सोना लंका काकर करा अब बड़का लोग लेकर काकर करा रावण सब चीज में रावण बड़े रही से रावण कर एक चीज नहीं रही से जानता का है चरित्र तोर कर सब प्रकार के गुण हैं और तोर का चरित्र नहीं है ते भले दिखे में स्वरिया राय हरस ते दिखे में भले बड़े जान ऋतिक रोशन बन के घुमा था तोर का चरित्र नहीं है वो शरीर भलो कोई काम के नहीं है सुंदरता डिपेंड नहीं करता प्यार के कि तुम कितने अच्छे हो इंसान का चरित्र कितना डिपेंड करता कि तुम कितने अच्छे हो चरित्र होना चाहिए इसीलिए निवेदन चाहूंगा चरित्रवान बने शरीरवान बने ना बने बलवान बने ना बने चरित्रवान जरूर बनना चाहिए क्योंकि मेरे राम के अंदर में वो आदर्श है और मैं तो कहूँ हम सब किस्मत वाले हैं प्यारे इतने लोग बैठे हम सब किस्मत वाले हैं कि हम उस भारत की धरती में रहते हैं हम उस भारत की धरती में जन्म लेकर आए हैं जिस भारत की धरती में मेरे भारत का एक चिड़िया भी माता जानकी की मर्यादा को बचाने के लिए रावण से लड़ गया जिसे जटायु कहते हैं मैं तो कहता हूँ गर्व से मैं उस भारत देश में रहने वाला हूँ जिस भारत देश में वानरों की सेना रावण के लंका के राक्षसों से लड़ने दौड़ गया वानर
भारत देश के रहने वाला हो, जहाँ के हमार देश के नान नान चिटरा मन घलो छोटे छोटे गोटी समुद्र में फेंके तो समुद्र में पथरा तौरे चालू हो जाए, हम भारत देश के रहने वाला। एक सती को शायर बड़ा जोरदार गीत लग गुनगुनाए हैं, जानता हूँ काहे कि बोले बड़ा सुंदर भाव मोर संग गुनगुना लगा।